नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करें साहू के बारे में। एक ऐसी न्यूज सामने आई है जिसने शायद फैंस को निराश कर दिया, लेकिन शायद यही चीज फैंस के लिए अच्छी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि साहू मूवी जो है ये 15 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन यूवी क्रिएशन ने और जो फिल्म मेकर्स है उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये फिल्म अब 15 अगस्त 2019 को रिलीज नहीं होगी, बल्कि ये मूवी 30 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। और इसका जो एक बड़ा कारण ये है कि वो डाई हार्ट फैंस के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कोई भी फिल्म में इतनी जो मेहनत लगी है, इतना पैसा लगा है, उसको उसके साथ न्याय करना चाहते हैं। और यही एक अपडेट है जो फिल्म मेकर्स ने अपने फैंस को दिया है। उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कंटेंट के साथ और क्वालिटी के साथ। और पूरी एक अच्छी फिल्म जिसके बारे में सोचा गया था 3 साल से, जिस मूवी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की गई और एक ने नहीं पूरी टीम ने इतनी ज्यादा जो मेहनत की है, उसको उसी तरीके से पेश किया जाएगा जैसे कि सोचा गया था। तो आप जानते हैं कि साहू मूवी उनमें से है जो एक बहुत ही ज्यादा जिसका वेट किया जा रहा है, इस साल की बहुत ज्यादा बात करने वाली मूवी बन चुकी है ये। और प्रभास जो है वो 2 साल बाद बिग स्क्रीन पर नजर आएंगे, सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे। लास्ट टाइम हमने उन्हें बाहुबली मूवी में देखा था, और जो साहू मूवी है उसमें एक अलग ही अवतार में एक अलग स्वैग के साथ वो नजर आने वाले हैं। बहुत सारे एक्शन सीन्स करते हुए दिखेंगे। तो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज एक इस मूवी के साथ हो रही है। बहुत ज्यादा टीम मेहनत कर रही है और जल्द से जल्द जो सारा काम है VFX का उसे कम्प्लीट किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को एक महाक्लैश होने वाला था साहू के साथ, मिशन मंगल और बाटला हाउस टकराने वाली थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जिनका कहना ये है कि साहो तुम दबाकर भाग गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शायद ये बोलना बहुत ज्यादा गलत है। अगर साहो यानी कि जो प्रभास है, अगर वो अपनी मूवी के साथ न्याय करना चाहते हैं, अपना पूरा कंटेंट क्वालिटी के साथ, कोई मजाक नहीं चाहते हैं, अगर इसकी वजह से वो 30 अगस्त को अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि शायद उन्हें शोभा नहीं देता है। इस तरीके की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि साहू का कंपटीशन किसी से नहीं है। साहू अपने आप से कम्पीट करते हैं, और जिस तरीके से वो एक मल्टी स्टार मूवी उन्होंने बनाई है, जैसे कि आप जानते हैं कि इस मूवी में साहू के अलावा आपको श्रद्धा कपूर और जैकी श्रॉफ, नील नितिन, मुकेश, मंदिरा बेदी, चंकी पांडे, महेश मांजरेकर, अरुण विजय, मुरली शर्मा जैसे बहुत सारे कलाकार आपको नजर आने वाले हैं। तो इस पूरी मूवी के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत छिपी है, जिसको जाया नहीं करना चाहते साहो। तो इसीलिए इसकी मूवी की जो रिलीज डेट है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन हम डाई हार्ड फैंस हैं, हम 15 अगस्त को भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले थे और हम 30 अगस्त को भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।